स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टुडेज डाउन एजुकेशन में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड लिए हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया? तो इसका सही आंसर है मार्क एंडरसन ने सबसे पहला वेब ब्राउज़र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www यानी 4x W रहे तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, B2G क्या है? तो इसका सही आंसर है बिजनेस टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है वर्चुअल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है 256 यानी 256 लोगों को अधिकतम जोड़ा जा सकता है एक व्हाट्सएप ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, B2B क्या है? तो इसका सही आंसर है बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल यूनिट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है नर्व सेंटर। ठीक है दोस्तों, नर्व सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, www के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फोर्ट्रॉन पहली कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है रे टॉमलिंसन ईमेल के आविष्कारक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बग क्या होता है? तो जो कंप्यूटर में जो एरर होता है उसको बग कहते हैं, एरर को बग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवांछित मेल को क्या कहते हैं? तो अवांछित मेल को स्पैम कहा जाता है, स्पैम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के कार्य करने की गति किस में मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है मेगाहर्ट्ज़। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जावा एंड्रॉयड के विकास के लिए एक आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो इसका सही आंसर है 128 बिट। 128 बिट IPv6 एड्रेस में 128 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? इसका सही आंसर है क्रोम। क्रोम वेब ब्राउज़र को गूगल ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW का बैकबोन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है HTTP। HTTP को WWW का बैकबोन कहा जाता है। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में कौन बदलता है? तो इसका सही आंसर है कंपाइलर। कंपाइलर उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है यूज़र फ्रेंडली। निर्देशों को सरलता से समझना यूज़र फ्रेंडली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर में मॉडेम जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो इसका सही आंसर है मोज़ैक। मोज़ैक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन बदलता है? तो इसका सही आंसर है मॉडेम। मॉडेम जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का एड्रेस किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है URL। URL को वेबसाइट का एड्रेस कहते हैं। ठीक है, और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूर्ण रूप होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है रजिस्टर। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर पर यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है कुकीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो इसका सही आंसर है 4। पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी अंकों में 0 का क्या अर्थ है? बाइनरी अंकों में जो 0 होता है उसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी अंकों में 1 का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है
ऑन, ऑन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैन का फुल नेम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूर्ण रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैन का फुल नेम क्या है? मैन, तो इसका फुल नेम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन का फुल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा को उपयोगी बनाना क्या कहलाता है? डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर है मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CPU का मुख्य भाग क्या है? तो इसका मुख्य भाग होता है कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी CPU का मुख्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, रैम का फुल नेम क्या है? तो दोस्तों रैम का फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल नेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है डाटा। कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को डाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस और कीबोर्ड। माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CD-ROM का फुल नेम क्या है? तो इसका सही आंसर है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो जो रोम होता है दोस्तों, रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर MICR का फुल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर है मुख्य मेमोरी के। कंप्यूटर बंद होने पर मुख्य मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये हमारा आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों CPU। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और CPU का फुल नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे होता है इस टॉपिक का द एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।